आज मैं इंट्रो चाहत था तेलिहान की, उसमें करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मानुर पॉल। करोड़ों नहीं, 1600 सब्सक्राइबर्स की दिलों की धड़कन, ऑल द वे फ्रॉम पिशावर। बहुत क्रिंज हो गया। तो जी अस्सलाम वालेकुम, पखैर आगले, हम इसी में ही खुश हैं, तो हमारा पखैर आगले बहुत बेस्ट है। तो जी आज का जो व्लॉग है, आप सबको चांद रात मुबारक हो। आप लोग को टाइटल से तो पता लग ही गया होगा, तो आज का जो व्लॉग है बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके साथ सारी चांद रात की प्रिपरेशन वगैरह और ये जो भी खवातीन की रेंटिंग पेंडिंग होनी है तो वो भी शेयर करेंगे, मेहंदियाँ वगैरह भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम जाने लगे हैं बाज़ार, क्योंकि बाबा लोगों ने ना इस बार ईद के अपने कोई कपड़े वगैरह नहीं थे बनवाए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो उनके सारे कपड़े यानी हम उनको नहीं पता कि हमने बनवा लिए, तो वो पिक करने हैं दर्जी से, साथ उनकी जूतियाँ वगैरह जो है तो वो लेनी है। और क्योंकि ये जो है ना खासतौर पर जो वालिद साहब जो होते हैं ना, तो इनका ये होता है कि बस औलाद पहन ले, औलाद सारा कुछ कर ले, और अपना इन लोगों को कोई ख्याल नहीं होता। तो ये फिर औलाद का फ़र्ज़ है कि सबसे पहले अपने वालदैन को देखे कि यानी जो हमारे लिए कर रहे हैं तो उनके पास भी वो चीज़ है कि नहीं है, यानी उन लोगों का बहुत ख्याल रखें आप लोग। और अभी हम लोग जाने लगे हैं बाज़ार, और बहुत सारे काम है, और हम लोगों ने यानी आधे काम करेंगे अफ्तारी से पहले और फिर घर आ जाएंगे, क्योंकि आज अफ्तारी की भी तैयारी करनी है, और इतिहास नहीं करेंगे आज, और वो शेयर भी नहीं करूँगी मैं, हो सकता कर दूँ। तो जी मामा बनेंगे अफ्तारी और हम लोग जाने लगे हैं बाज़ार, और आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर शुरू। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हम आ गए थे बाटर, यहाँ से लेने थे बाबा के दो सैंडल्स, एक सैंडल ली थी एक चप्पल ली थी, और बस यहाँ से हम लोगों ने बाबा के शूज़ वगैरह लिए थे। और हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे इस दिन ना, क्योंकि अफ्तारी में आधा घंटा तकरीबन रह गया, तो हमने सोचा था कि बाज़ार के जो आधे काम है ना वो अभी कर लेते हैं, यानी कि बाबा की चीज़ें जो है ना वो दर्जी से लेनी और ये जो जूते वगैरह ये सारा कुछ कर लेते हैं, और जो हमारे काम है ना यानी कि पार्लर वगैरह जाना था तो सारा कुछ है ना अफ्तारी के बाद फिर हम करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने बाबा के दो शूज़ ले लिए थे और हम लोग निकल गए थे घर के लिए। इसके बाद नहीं ये जहाँ मुझे और फातिमा को शीशा नज़र आ जाता है ना, यहाँ पे हमारी विक्ट्री लाजमी है। तो बस इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए हुए थे, और इसके बाद जो बाकी की शॉपिंग है ना वो हमने अफ्तारी के बाद की थी। अच्छा, मैं ना ये चांद रात का व्लॉग और ईद का व्लॉग इकट्ठा डाल दूँगी, क्योंकि ईद पर हमारे पास इतना खास कुछ करने के लिए था नहीं, और हम लोग बीच में सो गए हुए थे ईद पर, क्योंकि ईद तो होती है ज़्यादातर हमारे सोने के लिए। ये देखो मरियम के कस्टमर्स आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए, इतने प्यारे मास्क। क्या नाम है आपका? आमना। यार उसकी बाबा उसके साथ वाली मरियम तजुर्बा करने लगी है और सामना पे। आमना और सामना पे तजुर्बा होने लगे मरियम। आपको पता है कलाम जब थे ना, तो इसने एक बच्ची का मेहंदी लगाई थी, वो बिल्कुल 2 साल की बच्ची थी जिसको अपनी होश मत नहीं होती, वो भी जाके अपना हाथ मल ले लगा। वह जो प्यारी लगाती है अब नहीं, हमने उसको ट्रेन कर दिया थोड़ा सा, ये अब लगवाएगी मरियम। तस्वीर तो ऐसे रखी हुई है प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट ने, ये चेक करें जरा, दिखाओ क्या लगाई है आपको मेहंदी, हाथ दिखाओ आगे करो, प्यारी है, प्यारी है, पक्की बात है प्यारी है, क्या जगह होगी तो नहीं। जिसने रोना हो उसी टाइम कर लाता है। सही। यार ये मासूम कितनी है, और फातिमा की लिपस्टिक देखो कितनी मासूम, असल मासूमियत तो फातिमा से छलक रही है। हाँ, यहाँ पे बाबा कर रहे हैं अपनी शीर खुरमे की तैयारी। बाबा ये लो आपकी ईदी। हाँ, आपने होटल नहीं था लेना था, हम लोगों दी ले ली, मैं दो बाबा को आप लोग। ये आपकी ईदी सारी। तकरीबन मुझे ना 1.5 घंटा हो गया इसके इस एक छोटे से डिज़ाइन के ऊपर। इस छोटे से डिज़ाइन ने मुझे इतना तंग किया ना कि मैं पहले छोटा लिख रही, कहती है नहीं मेरे हस्बैंड का नाम बड़ा आना चाहिए मेरे हाथ के ऊपर, दूर से भी नज़र आए। तो ये अब जैसे मुझे समझ नहीं थी आ रही, फिर मैं इसके साइडों पर क्या डिज़ाइन करूँ, फिर भी जैसे आपकी बहन ने कलर आई है, और ये वो बंदा है जिसका नाम लिखा गया। अच्छा, ये वो बंदा है जिसका ये नाम लिखा गया यहाँ पे, और ये एक एक डिटेल जो है ना साथ साथ वीडियो कॉल पे चेक कर रहे हैं कि सही है कि नहीं। ये तो हालात है, इतनी सख्ती के साथ मैं आज मेहंदी बन लगा रही हूँ। बेचारी बाकी आवाम जो है ना तो सो गई है इस इंतज़ार में कि हमारी कब बारी आनी। ये है जी फाइनल लुक, अभी तक सिर्फ एक हाथ लगा है, और वो भी ऊपर से काशिश की तरह लगी, और नीचे से पता नहीं कैसी है, कैसी है।
आला हो गया, वाकई आला ही हो गया। डेढ़ घंटा लग गया मेरा इसके ऊपर, अभी तक मेरी कुछ भी नहीं लगा। यहाँ पे बाबा बना रहे हैं शीर खुरमा। हम लोगों ने सोचा था कि आज का जो व्लॉग है ना वो मैं टाइम पे अपलोड कर दूंगी, लेकिन आज गैस ने इतना अजाब बनाया हुआ था, तभी शीर खुरमा तैयार हो रहा है। और पता है आप लोगों को, शीर खुरमे के बगैर तो होती नहीं है ईद, और वो भी फिर बाबा के हाथ का ना हो तो। तो बस बेचारे बाबा भी अब जा कर रहे हैं, तकरीबन इस टाइम बचे हुए हैं रात के 2, और अब गैस है और बाबा ने बनाना शुरू किया। ये यहाँ पे बाबा और अब्दुल्ला डाल रहे हैं शीर खुरमा, नहीं क्या नाम है, खोया मलाई शीर खुरमा, बाबा की इस नई डिश का नाम है, जिसकी रेसिपी हमें भी नहीं पता। ये बाबा की स्पेशल रेसिपी है जो वो खुद ही बनाते हैं। तो ये अभी बड़े बाउल जाएंगे, एक हमारे लिए होता है, बाकी सारा बांट देते हैं, ये लोग रखते ही नहीं हैं घर में कुछ। तो एक जो है तो हमारा है, बाकी बाबा के दोस्तों के, और अभी ये जो छोटी छोटे हैं ये हलीमा की दोस्तों के लिए। बाबा बस आपकी शादी हो गई, अब आपकी शादी पे बारिश नहीं हो सकती, आप देख के ना चाटो। देख के चाट रहे हैं बाबा बैठ के, जिनकी शादी हो चुकी हुई है इनको लग रहा है कि दूसरी शादी में बारिश हो गई तो हम आपकी दूसरी होने नहीं देंगे। अवाम इंतज़ार कर रही है अभी मरियम मैडम की, अब जाके मेहंदी ख़त्म हुई है, इस मैडम ने इतना टाइम लगाया। हलीमा बेचारी जिसकी मेन ईद है ना, उस बेचारी के अभी तक मेहंदी नहीं लगी, इसकी लगी है। मरियम इस हाथ की बहुत प्यारी लग रही है, इसकी भी प्यारी लग रही है, लेकिन इसकी मुझे ज़्यादा प्यार। मेरी जो मेहंदी है ना वो ईद के दिन लगी है, और पीछे ढोल वाले की आवाज़ें चेक करें ज़रा, ईद मुबारक हो रही है, प्यारी लगी है ना। बस अब मेहंदी लगा के साथ में चाय शाय बना रहे हैं, फिर उसके बाद तैयार श्यार हो जाएंगे। और आज है तो बदकिस्मती से धूप भी बहुत तेज है। अस्सलाम वालेकुम, बखैर अगले, ईद मुबारक एवरीवन। तो जी अभी हम तैयार श्यार हो गए हैं, और आज जो हम तैयार हुए हैं ना, हम लोग हमेशा बाबा के आने से पहले तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज है तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोगों की चांद रात काफ़ी लेट से है, तो मतलब खत्म हुई थी, मतलब कि चांद रात के काम बहुत लेट लेट तक चले थे हमारे, तो इसलिए हम लोग फिर थोड़ा सा सो गए थे। फिर बाबा लोग गए थे, ईद मिल लिया, उसके बाद गंदे सुंदे हो लिए, मैं उनसे ईद ही ले ली, और अभी हम लोग तैयार हुए हैं पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। और मैं आपको बाकी सब दिखाती हूँ, मतलब बाकी सब में फातिमा होगी, मामा होगी, कैसे लग रहे हैं सारे, तो अपना भी फुल लुक दिखाते हैं आप लोगों को छत पे जाके। असल में हम लोग आज जो है ना तो कहीं पे भी नहीं जा रहे, घर में ही हैं, तो आज का जो व्लॉग है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बाकी का क्या शूट करूँगी, क्योंकि हम लोग आज जो है तो मतलब जाने लगे थे, तो बाबा कहते हैं कि मतलब ईद के पहले दूसरे और तीसरे दिन बहुत ज़्यादा रश होती है पार्क वगैरह में भी, और कहाँ पर मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी, तो आप लोगों ने जाना भी है ना, तो आप लोग जाओ यानी चौथे पाँचवें दिन। क्लिंग करते हो आओ, अपनी अपनी फुल फुल लुक दिखाओ, ये जलवा करके आते जाओ। ये ले फातिमा की भी फुल लुक देख लें आप, सही ठीक हो गया, क्या बात है जी, एक्टिंग के बाद अच्छा हो। मामा आ जाओ, आप भी मामा अपनी फुल लुक दिखाओ के, मॉडलिंग करते हुए आओ, सपोज के आप ओए मामा घर चप्पल, अच्छा मामा के जलवे में चप्पल को इग्नोर करें, मामा का जलवा बगैर चप्पल के जलवा, मामा ने इस कड़कती धूप में जहाँ जराबे पहनी हुई, हाथ चेक करें, ये मेरी अम्मा की फुल लुक। हलीमा दिखाओ अपनी फुल लुक, ये है जी हमारी तीसरी मॉडल। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने करना था यहाँ पे शूट, और इतनी गर्मियाँ ना, इतनी गर्मियाँ के बस यानी पिघल रहे हैं फूल आंखों से ज़्यादा, मतलब निकल रहे हैं पसीने, तो इस टाइम हम लोग जाने लगे हैं, मतलब लोकेशन चेंज करने लगे हैं, और देखते हैं वहाँ पे आज तस्वीरें अच्छी आती हैं कि नहीं, क्योंकि तस्वीरें तो आज बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है भी। ऊपर से पता नहीं क्यों मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ ले लिया था मीडियम की जगह, इसलिए मैं इतनी अजीब सी मोड़ के आ रही हूँ हर तस्वीर में, तो मेरा दिल ही नहीं कर आज पिक्चर्स भी लेने का। अपनी तरफ से लोन के सूट का एड बना रही है, बस हम आपको मॉडलिंग के लिए हायर कर लेंगे। मॉडलिंग यार, मॉडलिंग का है, मैंने क्या हो कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है मेरे मास्क पोश परिवार का, मास्क पोश खानदान का परिवार कह रही हूँ, नागिन के असरात बन रहा है चपली कबाब। चलो जी फातिमा की साड़ा पे शुरू, चपली कबाब, और यहाँ पे बन रही है ये गोश्त, पता नहीं किस अंडे वाली बिरयानी है, पता नहीं आप लोग खाते हैं कि नहीं, पर मेरी अम्मा बहुत क्लासी बनाती हैं, तो ये भी मैं डिश आउट करके ना सारा कुछ आपको बाकी का दिखाती हूँ। वहाँ पे बनने साथ में जर्दा, और साथ में पता नहीं क्या क्या अम्मा ने बनाया। ये है
जी आज की अफ्तार कह रही हूँ, दिमाग खराब हुआ बस अभी भी लग रहा है जैसे रोज है। हाँ ये है आज की क्या कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ, हाँ ईद का लंच है तो ये मामा ने बनाया है। मतंजन कहते हैं ना बाबा इसको, मतंजन। ये है जूस वाली फ्रूट चाट और ये बाबा का क्या नाम रखा था आपने कल इसका, खोया मलाई शीर हुरमा और साथ में कबाब और ये है बिरयानी। और अब हम शुरू करने लगे हैं क्योंकि हमें लगी हुई आज बहुत सख्त भूख। ये था जी ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग। फर्स्ट डे पे कुछ करने को था नहीं और ना कहीं हम लोग आए गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं रहते, तो हमारी जो कजन है ना उसने आने इस्लामाबाद से, तो उसका हम व्लॉग बनाएंगे ईद के थर्ड डे पे। आप लोगों ने वो वाला व्लॉग लाजमी देखना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।